नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है औसित और आप देख रहे हैं जिद इलेक्ट्रिक। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है बासबर चेंबर के बारे में। तो आज हम एक हैवेल्स का जो बासबर है 100 एम्पियर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे पास एक हैवेल्स कंपनी का बासबर है जो कि 100 एम्पियर में है और ये 4-way है, ठीक है, मतलब 3 फेज और एक न्यूट्रल। इसे आप 3 फेज सप्लाई में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब एक केबल से 2-3 आउटपुट लेते हैं या 2-3 केबल के साथ कनेक्शन करते हैं, उस वक्त हम को बासबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम एक केबल में 3-4 केबल को एक साथ अटैच कर देंगे तो उस जगह पे हीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है और स्पार्किंग भी हो सकता है। इसीलिए हम अगर बासबर का यूज करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो चलिए अभी ये बासबर को खोल लेते हैं। तो अंदर इसका कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे बार लगाया हुआ है चारों, ठीक है। तो ये जो निशान दिया गया है रेड येलो ब्लू, ये तीनों 3 फेज सप्लाई के लिए दिया गया है, और यहाँ पे ये जो ब्लैक, ये न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो ये जो बार है, बेसबर का जो बार है, ये सारे के सारे कॉपर के बनाए हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए बनाया गया है। जैसे कि इसका एम्पियर रेटिंग है 100 एम्पियर, इसे आप 80% एफिशिएंसी में यूज करेंगे तो 80 एम्पियर तक इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बासबर बहुत सारे साइज के आता है, जैसे कि 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 500 एम्पियर का भी, उससे ज़्यादा भी आता है। तो ये 100 एम्पियर का है, ये हैवेल्स कंपनी का है, बहुत ही पॉपुलर मॉडल है ये, ठीक है। इसका अंदर का सिस्टम आप देख सकते हैं पूरा, और इसका जो इनपुट ले सकते हैं इस साइड से भी ले सकते हैं, और लेफ्ट राइट दोनों साइड में है, नीचे से भी ले सकते हैं, यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं नीचे से। ये जो पंच किया हुआ है इसे हटा देंगे तो यहाँ से केबल को ग्लांट करके यहाँ से कनेक्शन को आउट कर सकते हैं। तो इनपुट यहाँ पे आप इस साइड में या इस साइड में, किसी भी साइड में आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक केबल को कनेक्शन कर लेंगे, और यहाँ से आपको 5 आउटपुट मिलेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे बोल्ट है तो 5 सप्लाई यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। 3 फेज सप्लाई में लेंगे तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई बहुत आसानी से ले सकते हैं, और न्यूट्रल तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। और साइड में यहाँ पे इसका, यहाँ पे एक अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आप बॉडी को अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। ये अर्थिंग दोनों साइड में दिया गया है, इस साइड में भी अर्थिंग है एक। तो 100 एम्पियर का जो बासबर होता है उसका कनेक्शन वीडियो हम किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखा देंगे, इसके साथ केबल कनेक्शन करके, और मेन स्विच के साथ भी इसे कनेक्शन करके दिखा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।